पुण्यातल्या हिट अँड रन केस चर्चेमध्ये असताना नागपूरमध्ये महाल भागामध्ये झेंडा चौकात मद्यधुंद कारचालकानं तिघांना धडक देत जखमी केलंय. यामध्ये एक महिलेसह 3 महिन्याचा चिमुकला आणि एक पुरुष जखमी झालाय. या अपघातामध्ये सचिन सूर्यभान सुभेदार, नाझमीन शेख वसीम शेख, जोहान शेख वसीम शेख जखमी झालेले आहेत आणि सनी चव्हाण, अंकुश ढाले आणि आकाश निमोरिया अशी या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या तरुणांची नावं आहेत. या अपघात प्रकरणामध्ये रॅश ड्रायव्हिंग, दारू पिऊन गाडी चालवणं अंतर्गत या कर्मांतर्गत गुन्हे दाखल झालेत आणि धक्कादायक म्हणजे आरोपींच्या गाडीमध्ये दारूच्या बाटल्या आणि गांजा सापडलाय. बरोबर आहे. जिथे काल घटना घडली तिथे ह्या कंजेस्टेड एरिया आहे, तिथे वाहतुकीचा थोडा खोळंबा असतो आणि त्या परिसरात त्यांनी रॅश ड्रायव्हिंग केली, त्यामुळे नागरिकांचा संताप होता आणि त्यामुळे त्यांच्या गाडीची सुद्धा थोडी तोडफोड सुद्धा करण्यात आली होती. अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. कल रात को 8:30 बजे के आसपास कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत झेंडा चौक यहाँ पे एक रैश ड्राइविंग का मामला सामने आया था. यहाँ पे रेनॉल्ट कार में जो 3 युवक गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने 2 बाइकर्स को अपनी गाड़ी से धक्का दिया था. इसमें एक लेडीज, उनका 3 साल का बच्चा और एक तीसरे पर्सन, ये तीनों इंजर्ड हुए थे. जो लेडीज है उनको लेग में फ्रैक्चर हुआ था और जो उनको 3 महीने का बच्चा है उनको हेड इंजरी आई थी. उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है हॉस्पिटल में. उनकी कंडीशन अभी फिलहाल स्टेबल है लेकिन वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो उनके अपडेट्स हम ले रहे हैं. जो तीनों आरोपी थे उनको कल रात को हमने इमीडिएटली अटक कर ली थी और तीनों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया था. जो डॉक्टर्स का प्राइमरी ऑब्जर्वेशन था तो उसने ये पाया गया कि तीनों ने अल्कोहल का कंजम्पशन किया करके रखा था. उसके बाद उनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स हमने कलेक्ट करके उनको अभी आज हम सीए के लिए भेजने वाले. कल रात को लेट नाइट हमने इसमें गुनाह दाखिल किया है, उनको अरेस्ट किया है. आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनकी हम पुलिस कस्टडी मांगने वाले और बाकी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन के एंगल है उनको हम पुलिस कस्टडी में आने के बाद इसमें चेक करने वाले. जिस वाहन से कार ने टक्कर मारी थी उस गाड़ी में क्या कुछ पाया गया? गाड़ी का जब हमने सर्चिंग किया था तो हमको 3-4 दारू की बॉटल्स और एक गांजा टाइप एक सब्जेक्ट मिला था, इसलिए हमने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन भी इसमें ऐड किए और वो जो सब्सटेंस हमने अभी सीज किया उसको भी हम सीए तपासने के लिए भेजने वाले. अभी जो घायल है उनकी हालत कैसे और किस धाराओं के अंतर्गत आईपीसी के मामला दर्ज किया? जो एक लेडीज है उनको शायद लेग में फ्रैक्चर से और जो उनका 3 महीने का बच्चा है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है. डॉक्टर्स का कहना है कि उनको अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, उनके सिटी स्कैन और बाकी मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं और मेडिकल टेस्ट के बाद वो थोड़ा और बता पाएंगे बेटर तरीके से, लेकिन उनको थोड़ा कंडीशन अभी स्टेबल है लेकिन उनको कंटिन्यूसली उनका अपडेट लेना पड़ेगा. जो हमने गुनाह दाखिल किया है वो आईपीसी सेक्शन 279, 337, 338 प्लस सेक्शन 27-29 एनडीपीएस एक्ट, सेक्शन 184-185 एमयू एक्ट और सेक्शन 65 महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट, इसके अंतर्गत हमने गुनाह दाखिल किया है. गाड़ी कौन चला रहा था और क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है जो आरोपी गिरफ्तार? गाड़ी इसमें सनी चव्हाण नामक आरोपी चला रहा था. सनी चव्हाण का थोड़ा प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड है. इसके अलावा एक दूसरा जो आरोपी अंशुल ढाले उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है. सर कितने गुन्हे दाखिल है सनी चव्हाण के ऊपर? सनी चव्हाण के ऊपर अभी जो कल हमने उसका प्राइमरी एक रिकॉर्ड चेक किया तो हमें 7-8 गुन्हे दाखिल ऐसे नजर आया, लेकिन हम फिर भी एक बार इसमें रीचेक करें कि और कई गुन्हे से दाखिल है कि नहीं, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं.